बलिया पुलिस टीम ने हरियाणा निर्मित 5 लाख की अवैध शराब बरामद करने के साथ ही 3 बुलेरो गाड़ी सहित शराब माफियाओं व तस्करों के खिलाफ धंधे में लिप्त 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। बलिया जनपद के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र नसरतपुर गांव के सिवान में पुलिस टीम ने जयप्रकाश सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी महुआरा थाना बिहार को बुलेरो के साथ पकड़ा और 15 पेटी शराब जब्त कर लिए। पुलिसिया पूछताछ में जयप्रकाश सिंह ने बताया कि वह शराब नसरतपुर निवासी चंदन के यहाँ ले जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 बुलेरो पेटियों व ड्रम में रखी हरियाणा और अरुणाचल की निर्मित 5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। ये 25 की रात देर रात को एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 बुलेरो रिकवर हुए हैं और लगभग 432 लीटर शराब, अपमिश्रित शराब के 2 ड्रम, रेक्टिफाइड स्पिरिट सब बरामद हुआ है और खाली बोतल और रैपर भी। इन रैपर्स पे रेस विस्की का नाम लिखा है, फॉर सेल ओनली इन अरुणाचल प्रदेश। वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसपास की जनपद से ये शराब लाकर इसमें स्पिरिट ऐड करके क्वांटिटी बना के फिर उसको अन्य प्रांतों में बेचे जाने का प्लान था जो समय रहते पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। क्या क्या साथ में बरामद हुई? जैसा मैंने अभी बताया, 3 अदद बुलेरो गाड़ियां बरामद हुई हैं और लगभग 432 लीटर शराब है 2400 शीशी में और 2 बड़े ड्रम 200 लीटर के जिसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट भरी हुई थी और 1 ड्रम जिसमें टोटी लगी हुई जिससे ऐसा लगता है कि उसी से स्पिरिट निकाल के बॉटल्स में मिक्स किया जाएगा और हमें 20-20 लीटर के 7 बड़े बोतल मिले हैं जिसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट भरी हुई है। इसके अलावा 500 खाली शीशियाँ, ढक्कन, रैपर भारी मात्रा में मिले हैं। जिले के बाहर भी कोई पकड़ा गया? इसमें जो पकड़े गए हैं उनमें से 5 इसी जिले के निवासी हैं, 1 अन्य प्रांत का रहने वाला है। 24